एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। सबसे पहले ये कि आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, ठीक है? और वो भी आप दोनों की पसंद का। पूर्वी, मैं नहीं आई, आज सिर्फ मेरी चलेगी, तुम दोनों की। और मैं ये कुछ हिंदी मूवीज लाई, हम तीनों बैठ के मूवीज देखेंगे, ठीक है आजी? मेरी शामत आई है जो मैं तुझे मना करूं। अच्छा, नाश्ते में आप लोग क्या लेंगे? गर्मा गर्म चाय और पकौड़े? मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग डिसाइड करो कि हम कौन सी मूवी देखेंगे। बाबा, जानती थी कि आप आई को लेने जरूर आएंगे। एक मिनट, तुम इस मामले में कुछ जानती नहीं, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलो। तुम्हारी आई ने हमारा अपमान करने में कोई कसर छोड़ी है क्या, जो पूरी करने के लिए तुम यहां आए हो? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, जो कुछ भी मेरी आई ने आपके साथ किया बहुत गलत किया है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। वाह, तुम्हारी आई यहां आती है, अपनी समधन पर हाथ उठाती है, अपनी बहू का चार लोगों के सामने अपमान करती है, पर बाद में उसका बेटा चला आता है माफी मांगने के लिए। ये बड़ा अच्छा तरीका है आप लोगों का। मैं जानता हूं, मेरा माफी मांगना काफी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आया हूं क्योंकि मुझे अपनी आई की गलती का एहसास है। आज जब आई के कहने पर भी अर्चना घर वापस नहीं आई, मैं उसी वक्त समझ गया था कि बात कुछ हद से ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अर्चना ने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे पूरा यकीन था कि बेवजह अर्चना ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए मैं खुद उसे यहां लेने आया हूं। अब चाहे तुम माफी मांगो या तुम्हारी आई, अर्चना तुम्हारे घर नहीं आई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मानो तुम अगर अपनी आई को उसी वक्त सब कुछ बता देते तो आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ सुन लिया, अब मेरी एक ही विनती है, तुम चले जाओ यहां से। आई प्लीज, मेरी एक मिनट। जब तुम्हारी आई अर्चना के साथ बदसलूकी कर रही थी तब तुम वहां नहीं थे, इसलिए अभी मैं तुमसे बात कर रही हूं, वरना बात भी नहीं करना चाहती थी मैं। मेरी बेटी तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। लेकिन आई, देखो, अर्चना तुम्हारे घर आकर रही क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था और वो सिर्फ उसी का पालन कर रही थी, लेकिन तुम्हारी आई की समझ में ये बात नहीं आ रही है और उनसे हम इस समझदारी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन वो अर्चना को दोषी ठहरा रही है, उसका अपमान कर रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी 3 महीने के बाद ये सब कुछ खत्म होने वाला है, तो आज ही क्यों नहीं? जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है मानव, उस रिश्ते को ढोना अकलमंदी नहीं है। आई प्लीज, अर्चना को मेरे साथ जाने दीजिए। अर्चना तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। मैं मानव के साथ जाऊंगी। पागल हो गई? इतना अपमान होने के बाद उस घर में वापस चली जाएगी? वो औरत रोज तेरा अपमान करेगी। मैं जानती हूँ, मैं सह लूंगी, आज तक सहती आई हूं ना, और वैसे भी सिर्फ 3 महीने की बात है, बस कैसे तैसे 3 महीने कट जाए।
चले। मैं बोल रही हूँ ना, ये वापस उस औरत को बुलाने गया है, लेकिन वो तो सुनने वालों में से नहीं, ये अपमान करके, मतलब खुद का अपमान करवा के आएगा। हाँ जी, अगर अर्चना जी घर नहीं आई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। हाँ, तेरे पास वो कोर्ट का आदमी आया था, उसका नंबर है? हाँ है। चल लगा लगा। लेकिन क्यों? लगा बोली तो लगा, 50 सवाल मत पूछ, लगा के दे। उस अर्चना को क्या लगता है, हमारे यहाँ से बारी बारी एक एक उसके पास जाएगा, उसको मनाएगा, उसके पांव पकड़ेगा? अरे हट, दे लगा, उसका नंबर लगा। हेलो। हेलो, नमस्ते भैया, मैं सविता देशमुख बोल रही हूँ। आप हमारे घर आए थे ना मेरे बेटे और बहू के डाइवोर्स के लिए? हाँ हाँ, वो मिस्टर मानव देशमुख के केस के सिलसिले में मैं आया था। हाँ हाँ। लेकिन मैडम, जब मैं वहाँ पर आया था तब आपकी बहू घर पर नहीं थी। इसीलिए तो फोन किया ना मैंने। भैया क्या है, मेरी बहू यहाँ से अपने घर चली गई, मैं वहाँ जाकर, मतलब खुद गई थी मैं उसको मनाने के लिए, फिर भी वो आने को तैयार नहीं। अभी मैं और मेरा बेटा चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? अभी देखो, मेरी बहू जो चली गई वो मानने को भी तैयार नहीं और आने को भी तैयार नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका तलाक जल्द से जल्द शुरू करें और एक दोनों को एक दूसरे से मुक्त कर दीजिए। हम दिन रात तकलीफें उठा रहे हैं, मेरा बेटा तो दिन रात परेशान रहता है। आप प्लीज ये हमारी परेशानी हमेशा के लिए मिटा दीजिए ना। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बाय। आजी, तूने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। आजी, लेकिन तूने तो उनसे झूठ बोला कि अर्चना जी घर छोड़ के गई थी, उसका क्या? ये बात सिर्फ मैं और तू दोनों ही जानते, कोर्ट वाले थोड़े ही जानते। लेकिन वो तो कोर्ट में सच ही बोलेंगी ना, झूठ क्यों बोलेंगी? बोलने दो ना, उसमें क्या है, हम बोल देंगे कोर्ट में ये झूठ बोल रही है, उस पर विश्वास कौन करेगा? हा? देख अभी तू देख, उस अर्चना से मैं मेरे मानव को कैसे छुटकारा दिलवाती हूँ। लेकिन आजी तू देखना, इस बार तेरे तजुर्बे के आगे ना मेरा यकीन जीतेगा। तो देखना, आज 3 महीने बाद आई और बाबा अपने पूरे परिवार के साथ एक होंगे। बेबी, हाउ आर यू? फैंटास्टिक। और तुम्हारा गोवा का ट्रिप कैसा चल रहा है? अमेजिंग, बहुत एंजॉय कर रही हूँ, काश तुम भी मेरे साथ होते। वेल लव, मतलब मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं आ पाया, अनफॉर्चुनेटली। जानती हूँ, बट यू नो, अभी के लिए तुम्हारी सारी गलतियां माफ है। मतलब शादी से पहले तुम्हें अपने जितने काम निपटाने निपटा लो, क्योंकि शादी के बाद तुम सिर्फ मुझे टाइम दोगे। ओके, यू नो अर्जुन, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो अभी से सोच के रख लिया कि हम हनीमून पे कहाँ कहाँ जाएंगे। अर्जुन, उस वक्त तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा काम भी नहीं। इज दैट क्लियर? अर्जुन, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? या, मैं सुन रहा हूँ। अर्जुन, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। हे बॉबी डॉल, किससे बात कर रही है? अच्छा, लालू बात कर रहा है। हेलो,
हाँ जीजू, कैसे हैं आप? हाय तेजू. नॉट डन? हाँ, मतलब दो दिन मेरी बहन आपसे दूर क्या गई, आप उसे मिस करने लगे? अच्छा वे काम करिए, अब आप फोन रख दीजिए क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए. ओके ओके, तुम लोग एंजॉय करो, जस्ट गो अहेड, एंजॉय योरसेल्फ. सॉरी. क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है तेजू? मैं वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी. ओह माय गॉड, आई मीन ओहो, ओ भी तू अभी तक वही सोच रही है? यार मैं तुझे इतनी दूर यहाँ लेके आई हूँ, गोवा लेके आई हूँ, तेरे दिमाग में अभी भी वही टेंशन है? मैंने तुझे बोला है पूर्वी हैंडल कर लेगी, वो जरूर पता लगा लेगी कि वो लड़की कौन है. और तू तो अर्जुन पे शक कर रही है, तुझे पता है जीजू तेरे लिए कितने सीरियस है? फिर क्यों तेजू? डर तो लगता है ना. डर डर क्यों लग रहा है? लेकिन तू नहीं समझेगी तेजू, हमारी आंखों के सामने ही बाबा की शादी टूटी है ना. मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के साथ भी सेम ऐसा हो. वो भी जरूरी नहीं है जो बाबा के साथ हुआ है वो तेरे साथ भी हो. इसीलिए पागलपन छोड़ और मेरी बात सुन. ट्रस्ट अर्जुन एंड ट्रस्ट योर लव. पता नहीं अर्चू कैसी होगी उस घर में. एक तो ये अर्चू किसी के साथ अपना दुख दर्द बांटती भी नहीं है. कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा. आजी तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? हाँ तू जानती नहीं ना सविता दाई को, इसलिए कह रही है. जब वो बुराई पर उतर आती है ना तो पता नहीं क्या क्या कर डालती है. मेरे सामने इतना बुरा बर्ताव किया अर्चू के साथ, पता नहीं मेरे पीछे क्या करेगी. आजी देख, सविता जी ने चाहे कितने भी झूठ क्यों ना बोले हो, लेकिन बाबा ने तो हमेशा से आई का साथ दिया है ना. कैसा साथ दिया? कौन सा साथ? अरे 18 साल पहले उसे 18 साल पहले जो हुआ सो हुआ, आज की तारीख में तो बाबा आई के साथ है ना. और फिर देख, आज वो आई को लेने आए, उससे साफ जाहिर होता है कि वो आई के साथ रहना चाहते हैं. आज ही तो देखना, 3 महीने बाद ना आई और बाबा दोनों अपने पूरे परिवार के साथ होंगे. तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? आजी क्योंकि मुझे बप्पा पे विश्वास है, बप्पा सब देख रहे हैं और फिर आई की अच्छाई के लिए वो उसे उसकी खुशियां जरूर देंगे. तू देखना ऐसा कुछ नहीं होने वाला. जीत तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? तजुर्बा है ना इतने सालों का, इसलिए कह रही. लेकिन आजी तू देखना, इस बार तेरे तजुर्बे के आगे ना मेरा यकीन जीतेगा. तू देखना आजी, 3 महीने बाद आई और बाबा अपने पूरे परिवार के साथ एक होंगे. 3 महीने के बाद तू भी यही, मैं भी यही, देखते हैं मेरा तजुर्बा जीतता है या तेरा यकीन. सच्चू आ बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है. बैठ ना. वहिनी घर छोड़कर चली गई है, इसकी बहुत चिंता हो रही है ना तुझे. तो चाहता है कि वहिनी यहाँ वापस आ जाए ताकि डिवोर्स के प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम ना हो. कितना स्वार्थी हो गया है ना तू, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है. कभी खुद को वहिनी की जगह रखकर देख तो तुझे समझ में आएगा कि वहिनी पर क्या गुजर रही है. यही तो प्रॉब्लम है, सबको सिर्फ अर्चना जी की परेशानियां दिखाई देती हैं. मेरे ऊपर आज तक क्या बीती है, इससे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना. नहीं सच्चू, फर्क पड़ता है, तभी तो मैं यहाँ तेरे पास आई हूँ तुझसे बात करने के लिए. सच्चू हम अतीत को नहीं बदल सकते, इसलिए उसे बुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसी में ही समझदारी है. गुजरे हुए कल का गुस्सा अपने आज पर निकालना मूर्खता है और तू वही कर रहा है. दूसरों के साथ साथ तू अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है. दादा और बहनी के डिवोर्स के चक्कर में तू ये तक भूल गया है कि उस डिवोर्स से इस घर पर क्या असर हो रहा है, दादा पर क्या बीत रही है. क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि दादा बहनी के साथ कितने खुश हैं? वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 3 महीने से मैंने उनकी आंखों में देखा है, बहनी के लिए प्यार देखा है. जब भी वो बहनी के साथ होते हैं और ज्यादा खुश नजर आते हैं और भी संतुष्ट नजर आते हैं. यही तो आपकी गलत सोच है, गलत फहमी है. पापा उनके साथ रहना ही नहीं चाहते. पापा को खुशी तब मिलेगी जब उनका डिवोर्स होगा अर्चना जी के साथ.
और मैं लाके दूंगा उनकी खुशी वापस। 3 महीने में डिवोर्स होगा, जरूर होगा। बप्पा, मेरे सच्चे को सद्बुद्धि दे, उसे अर्चना वहिनी की अच्छाई का एहसास दिला। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आने वाले 3 महीनों में वहिनी का प्यार सच्चे को पूरी तरह से बदल दे। बप्पा तेरी ये बात कभी नहीं सुनेंगे। मेरी राय अर्चना जी के लिए कभी नहीं बदलेगी। आज के बाद आई तुम्हारा या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई अपमान नहीं करेगी। जब तक तुम उस घर में रहोगी तब तक तुम्हें आई की वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक्स किस लिए मानव? तुमने मेरी बात का मान रखा और इस तरह बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चली आई। मानव, मैं आई के साथ भी आ जाती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरी आई के साथ, मैं समझ सकता हूँ अर्चना, आई ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता। अर्चना, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद आई तुम्हारा या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई अपमान नहीं करेगी। जब तक तुम उस घर में रहोगी तब तक तुम्हें आई की वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। मानव प्लीज, आप ऐसा कोई वादा मत कीजिए, क्योंकि आई और मेरे बीच ऐसा कुछ तो चलता ही रहेगा। ये झगड़ा आज से नहीं है, कई सालों से चला, और एक तरीके से अच्छा भी। वो झगड़ती है तो उनका मन हल्का हो जाता। लेकिन अर्चना, देखिए, हम दोनों के रिश्ते में अगर आप ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आप हम दोनों के बीच ही फंस जाएंगे। इसलिए मानव, अगर आई मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहती है तो आप बीच में मत बोलिएगा। मानव, एक तो वैसे ही मैंने इस तरह उनका हाथ पकड़ा ऊपर से, ऐसे में अगर आप मेरी साइड लेंगे तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप मेरी तरफ से बात करें, और ये भी हो सकता है कि वो आपको खरी खोटी सुना दे, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मानव, मैं आई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आई को किस तरह संभाल। अर्चना, तुम क्यों कर रही हो ये सब? ये जानते हुए भी कि मेरे साथ वापस उस घर में आने के बाद तुम्हें दुख और दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तुम क्यों आ रही हो? आपके लिए माना, सिर्फ आपके लिए। पड़ी उधर की ये जूस लेके आई बीच में, एक नंबर की नालायक और अकड़ू औरत है वो। मानो खामखा गया उधर, उसका भी अपमान होने वाला ही है। ये माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से मिल गई है। ये अर्चना भी पहले वाली नहीं रही। पहले वाली अर्चना सास कुछ बोलती है तो सुन लेती थी, उल्टा जवाब नहीं देती थी। अरे, आज उल्टा जवाब दिया, मेरा हाथ पकड़ा, बोलती मेरी माँ की माफी मांगो। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? ये माँ बेटी ना
एक दूसरे से मिलकर कुछ न कुछ आइडिया चला रही है। नहीं आई ना वो औरत, मैं बोल रही थी मत जा, अपमान करवा के आएगा। आया खाली हाथ, वो बैठी घर पे। भाई तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा उसका पत्नी प्रेम, इतना सब होने के बावजूद तरफदारी कर रहा है उसकी। आएगी कैसे, मेरा हाथ पकड़ने के बाद मेरे साथ सामना करने की हिम्मत नहीं ना उसमें, इसलिए। आई अर्चना की हिम्मत तो खुद ही देख ले। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी।